हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पे जो क्रिमिनल केसेस में वांटेड लोग हैं, बैंक के बड़े बड़े डिफॉल्टर हैं, या हमारी जो देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो वहाँ पर किसी केस में वांछित है, यानी के जो LOC लुकआउट सर्कुलर, या इसको आप लुकआउट नोटिस भी कहते हैं, कैसे काम करता है इन अपराधियों को या बैंक के डिफॉल्टरों को देश से बाहर जाने में, और लुकआउट सर्कुलर क्या होता है, कौन इसे इशू करता है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है, और इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, ओरिजिन इसका कैसे होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें, और साथ में बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि LOC होती क्या है, जो लुकआउट सर्कुलर है या लुकआउट नोटिस है वो क्या क्या होता है, और वो कैसे जो है ऑपरेशन में आता है, कौन उसको इशू करता है। तो LOC एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो इस सर्कुलर को जारी करती है, और अपनी जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ हैं देश की, यानी कि देश भर के जो एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, वहाँ पर जो है जो एंट्री पॉइंट्स हैं या एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पर इसको जो है सर्कुलेट किया जाता है। और इसका मकसद ये होता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ LOC जारी की गई है वो देश से बाहर ना जा पाए, और अगर वो देश में बाहर चला गया है तो वो देश में जब एंटर करे तो एयरपोर्ट पुलिस या जो अथॉरिटीज़ हैं इमिग्रेशन की, वो तुरंत उसको अरेस्ट करके जहां भी वो वांटेड है वहां उसको पेश करें। यानी कि LOC एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इशू किया जाता है इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को, और उसका मकसद जैसे मैंने आपको बताया वांटेड लोगों को बाहर जाने से रोकना, या उनकी एंट्री जब होती है इंडिया में तब उनको जो है अरेस्ट करके जो जहां पर वो वांटेड है उस पुलिस, उस एजेंसी, उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के हवाले करना है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि जो LOC है वो कैसे इशू होता है, और क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ये कैसे पता चलता है कि फला व्यक्ति इस अपराध में वांटेड है, या वो इस बड़े बैंक के लोन में डिफॉल्टर है। तो जो भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस हुई, कोर्ट हुआ, ED हुई, CBI हुई, या PMLA अथॉरिटीज़ हुई, जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो एक रिक्वेस्ट भेजती हैं उस अथॉरिटी को, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, कि ये व्यक्ति फला फला केस में वांटेड है और इसके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाए ताकि इसको एयरपोर्ट पर बाहर जाने से रोका जाए, और अगर ये दूसरे देश से इंडिया में आ रहा है तो तब जो है इसको एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया जाए। तो दोस्तों, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और कई बार कोर्ट भी ऑर्डर देती है कि इस व्यक्ति के खिलाफ LOC जारी की जाए, ताकि क्योंकि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में भगोड़ा हो चुका है, एब्सकॉन्ड कर चुका है, और ये संभावना है कि ये देश छोड़कर भाग जाए और दोबारा कभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को में पार्टिसिपेट ना करे। तो यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो अपने से कोई भी जो है लुकआउट सर्कुलर इशू नहीं करती, बल्कि जो एजेंसीज हैं जहाँ जहाँ पर जो व्यक्ति वांटेड है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है रिक्वेस्ट करती हैं LOC को के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को के लिए को, और उसके बाद पूरे वेरिफिकेशन के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो LOC
का ऑर्डर जारी करती है और वो ऑर्डर तब पूरे देश भर के जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं या एंट्री पॉइंट्स हैं सीज के जरिए, एयरपोर्ट्स के जरिए, पोर्ट्स के जरिए वहाँ पर जो है सर्कुलेट किया जाता है ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन है हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर यह स्पष्ट है कि जो LOCs हैं वो यूजुअली जो है पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज या दूसरी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उनके डायरेक्शंस पे, उनकी रिक्वेस्ट पे जारी किया जाता है। और इसमें जो गाइडलाइंस हैं LOC जारी करने की वो ये हैं कि जो LOC है वो केवल और केवल क्रिमिनल और पीनल केसेस में जारी किया जाता है और उसका रीज़न ज़रूर देना है कि इस व्यक्ति के पर क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाना है, क्यों इसको देश से बाहर जाने से रोकना है। और इसमें जो एजेंसीज हैं वो रिक्वेस्ट भेजती हैं और जो है MHA को, और उसके बाद ये LOC जारी हो जाती है। और एक्सेप्शनल केसेस में जो LOC है वो देश के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भी जारी की जाती हैं। इस पर मैं वीडियो में आगे चलकर बात करूंगा। और अब जो है बात आती है कि LOC का जो है वैलिडिटी कितनी है। मान लीजिए MHA ने एक बार LOC इशू कर दी, वो क्या जो है उसके क्या वो लाइफ टाइम के लिए है या उसकी कोई स्पेसिफाइड लिमिट है। तो यहाँ पर स्पष्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को ये जानकारी नहीं है। जैसे मुझे पता चला अपने चैनल के माध्यम से कि LOC की जो पीरियड है वैलिडिटी का वो सिर्फ 1 साल है, यानी कि 1 साल तक अगर वो व्यक्ति पकड़ा नहीं गया जिसके खिलाफ LOC जारी की गई है, या वो अगर विदेश में है वो देश में वापस नहीं आया, तो वो LOC अपने आप ऑटोमेटिकली जो है लैप्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। और वो तभी रिन्यू होगी जब वही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसने वो LOC जारी करवाई है वो एक रिक्वेस्ट भेजे MHA को उसके रिन्यूअल के लिए। और अगर MHA को ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं मिलती है 1 साल के बाद, तो वो LOC जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उसका ऑपरेशन नहीं होगा तब। तो अब इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि LOC जब बैंक जारी करता है तो उसके क्या रेपरकशंस होते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा लोन है, लोन का जो डिफॉल्टर है बैंक को आशंका है कि वो देश छोड़कर भाग रहा है, तो तब जो है बैंक को MHA ने एक पावर दी थी, एक ऑफिशियल मेमोरेंडम इशू किया था बैंकों के लिए कि वो अपने से LOC को जारी कर सकते हैं। और ये जो पावर्स हैं ये बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि जो टॉप फंक्शनरीज हैं बैंक के, केवल वही इस्तेमाल कर सकते थे कि आप अपने से LOC इशू कर दो और जो भी लोन डिफॉल्टर हैं जिनकी बाहर भागने की आशंका है, और ताकि जो है उनको एयरपोर्ट पे, सी पोर्ट पे या पोर्ट्स पे रोका जा सके। तो दोस्तों लेकिन इस जो पावर्स दी थी बैंकों को उसका बहुत मिसयूज़ होने लगा। और बैंकों ने क्या किया कि बहुत ही जो है रैंडम वे में LOC जारी करनी शुरू कर दी, जिससे लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो ट्रैवल टू अब्रॉड का राइट है वो इरोड होने लगा। कोर्टों में शिकायतें पहुंचने लगी, अलग अलग रिट पटिशंस फाइल की जाने लगी कि बैंक जो है एक बहुत ही आर्बिट्रेरी मैनर में इस पावर का इस्तेमाल करके LOC जारी करवा रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स हैं जहां पर अलग अलग हाई कोर्ट्स ने जो LOCs को जो बैंकों के द्वारा जारी की गई थी उनको सेटिसाइड किया और ये कहा कि जो आर्बिट्रेरी मैनर में LOC जारी की जाती है उससे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका इरोजन होता है, उनका वॉयलेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। लेकिन अब इसमें जो है एक नया मोड आया है बैंकों के द्वारा LOC जारी करने में, क्योंकि अप्रैल में माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बहुत ही ताज़ा जजमेंट आई है और इस टॉपिक पर एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी है। केस का टाइटल था
विराट चेतन शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे जो पिटिशनर थे जिनके खिलाफ बैंकों ने LOC जारी की थी, वो माननीय हाई कोर्ट में पहुँचे और अपनी जो ग्रीवेंस कोर्ट को बताई। तो लेकिन जो है कोर्ट्स ने, माननीय हाई कोर्ट ने इसमें एक ऐसी जजमेंट दी है जो देश के नागरिकों के लिए, यानी कि जो डिफॉल्टर्स हैं बैंकों के लिए, बैंकों के उनके लिए बहुत ही रिलीफ देने वाली है। दोस्तों अगर मैं संक्षेप में आपको इस जजमेंट का सार बताऊं तो बैंक का जो माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके पास LOC जारी करने की कोई पावर नहीं है, यानी कि जो ऑफिशियल मेमोरेंडम MHA ने पावर के तौर पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिया था, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया और ये कहा कि आगे से बैंक इस ऑफिशियल मेमोरेंडम के तहत कोई भी LOC जारी नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, ये उनका राइट नहीं है, उनको अब कोई भी पावर नहीं है, यानी कि बैंक के डिफॉल्टर्स के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि अब बैंक अपने मनमाने तरीके से ऑफिशियल मेमोरेंडम के तहत दी गई पावर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी इंडिविजुअल, किसी बैंक डिफॉल्टर के खिलाफ LOC का हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। और माननीय हाई कोर्ट ने ये भी एक डायरेक्शन दी कि अब तक जितने भी LOC बैंकों ने जारी किए हैं इस मेमोरेंडम के तहत, वो जो है सभी रद्द हो जाएंगे, यानी कि जो डिफॉल्टर्स हैं वो उनको बार बार अब कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी LOC को रद्द करवाने के लिए, बल्कि अब बैंकों के द्वारा जारी सभी LOC ऑटोमेटिकली जो है रद्द हो जाएंगे और आगे से बैंक कोई भी LOC जारी नहीं कर सकेगा ताकि जो है एयरपोर्ट पे उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाए, देश से बाहर जाने से उसको रोका जाए। तो दोस्तों वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा जो लुकआउट सर्कुलर है या लुकआउट नोटिस है उसके बारे में लोगों में बहुत भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए काफ़ी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये है कि जो LOC है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्म अफेयर्स है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से की रिक्वेस्ट पर जारी करता है और उसकी वैलिडिटी 1 साल तक की होती है। अगर वो रिन्यू नहीं कराई LOC तब जो है वो ऑटोमेटिकली रद्द हो जाएगी और आगे से बैंक डिफॉल्टरों के खिलाफ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कोई भी LOC जारी नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। Have a very nice day. Tata. Bye bye. Take care.